आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी, हमारी खबर दिखाती है असर। जिला सहकारी बैंक में रिक्त पड़े चेयरमैन के पद पर आज चुनाव हुआ, जिसमें शिवदयाल सिंह परिहार को निर्विरोध चुना गया। चेयरमैन साहब ने निर्वाचित होने के बाद बताया कि बैंक के जो भी बैंक की उन्नति के लिए कार्य चल रहे हैं सभी सुचारू रूप से चालू रहेंगे और किसानों आम जनमानस के लिए सरकारी सभी योजनाओं अच्छे लागू किए जाएंगे, जिससे सभी को लाभ मिलता रहे और सरकार द्वारा कर्मचारी और खाता धारक के लिए जो भी त्यौहार में बोनस आएगा सभी को बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। जिला सहकारी बैंक चेयरमैन का चुनाव था, जिसमें चूँकि ये पद रिक्त हुआ था, हमारे चेयरमैन साहब के न रहने पर ये पद रिक्त हुआ था, उसका चुनाव हुआ है। उस चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। सर, बैंक की उन्नति के लिए किस तरह की कार्य योजना तैयार करेंगे? किस तरह की बैंक की उन्नति के लिए? बैंक का कार्य सुचारू रूप से चल ही रहा है। पहले भी अब सेटिंग कर रहे थे एक साल से लगभग, तो उसमें बैंक में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतें हैं उसको हमारा पूरा बोर्ड मिलकर तय कर लेता है। अगर किसी तरह की कोई समस्या है उसका निदान करता है। आम जनमानस की कई समस्याएं होती हैं? आम जनमानस में हमारी जो बैंक है ये मैक्सिमम जुड़ी हुई है देहात से, और देहात में जो इससे सारे किसान जुड़े हुए हैं और जितनी सोसाइटियाँ हैं उन सोसाइटियों के हम लोगों की बैंक फाइनेंस करती है, वो उससे खाद बीज खरीदते हैं, किसानों को उपलब्ध कराते हैं, उनसे वापस पैसा आता है बैंक को देते हैं। सरकार द्वारा जो कुछ नीतियाँ होती हैं जो बैंक माध्यम से आम जनमानस पहुँचाने के लिए, वो जो भी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं किसानों के जनमानस के हित के लिए, उन पर विशेषकर हमारा बैंक, हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी निदेशक मंडल है, वो पूरा काम करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो त्यौहार का जैसे सीजन आ रहा है, जो योगी जी ने भी कुछ ऐलान किया है कई विभागों को लेकर, तो क्या सरकारी बोनस के लिए कुछ ऐसा कुछ जो भी होता है वो बोनस कर्मचारियों को दिया जाता है, वो रोका नहीं जाता।